जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेरी वेलकम इन जद्दा अगेन। आबिद भाई मेरे साथ हैं और अभी हम कुछ अट्रैक्शंस की तरफ जा रहे हैं जो जद्दा में हैं और जो हमारे रह गए थे। तो अभी हम बलद की तरफ ही जा रहे हैं जो ओल्ड हिस्टोरिकल टाउन है वहाँ पर और हेरिटेज टाउन है। रात को वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, अब दिन में देखते हैं उसको। दिन में वो बहुत ब्यूटीफुल लगना चाहिए, रात को भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो दिन में देखने लायक जगह है। तो चलते हैं और बीच में अगर कोई अट्रैक्शन होगा वो भी देखते हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं फ्लैग राउंड अबाउट को। ये जो फ्लैग है और ये जो फ्लैग का पोल है यहाँ पर, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पोल है। जो फ्लैग का पोल है उसकी हाइट है 561 फुट। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2016 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब महिला और पुरुष के बीच समानता को लेकर 144 देशों की सूची में 141वें स्थान पर था, जहां महिलाओं को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं थी और ना ही वोट करने का अधिकार था। महिलाएं बिना मेल गार्जियन और हिजाब के कहीं बाहर नहीं जा सकती थी और अपने मेल गार्जियन की इजाज़त के बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकती थी। उनकी परमिशन के बिना विदेश यात्रा भी नहीं कर सकती थी और नौकरी भी नहीं कर सकती थी। महिलाओं के ड्राइविंग और वोटिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला सऊदी अरब 2016 तक एकमात्र देश था, लेकिन किंग अब्दुल्ला ने सन 2015 को लोकल इलेक्शन में महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार दिया। उसके बाद वुमेन ड्राइविंग को लेकर और मेल गार्जियन को लेकर सऊदी अरब में महिलाओं ने कई बार विरोध के स्वर उठाए, जिसमें सऊदी अरब को इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा कड़ी आलोचना सहनी पड़ी। लेकिन आज यंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता में आने के बाद महिलाओं पर से ये सभी बैन हटा दिए गए हैं। अब महिलाएं ड्राइव कर सकती हैं और पुरुष के बिना विदेश यात्रा पर भी जा सकती हैं और गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती हैं। ये है जद्दा का मिडल कॉर्निश पार्क और हम रात को भी यहाँ थे। काफ़ी अच्छी जगह है, रात को एटमॉस्फेयर ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा हैपनिंग था, लोग बाग काफ़ी आ रहे थे। और इसके सामने है रिट्ज कार्लटन होटल, किसी का बजट ज़्यादा हो तो वो यहाँ आके रह सकता है। कॉर्निश जद्दा में दो हैं, एक नॉर्थ साइड में है, वो अभी न्यू बनाया है, एक ये कॉर्निश है, ये पुराना है, पहले का है। तो काफ़ी अच्छा डेवलप कर रखा है इन्होंने यहाँ पर एक कॉर्निश को भी। और जद्दा के इसी कॉर्निश मिडल पार्क पे है किंग फहद फाउंटेन, जो कि विश्व का सबसे टॉलेस्ट फाउंटेन है। अभी वो ओपन नहीं है, रात को ओपन था, रात को हम लोगों ने देखा था उसको। सऊदी अरब एक पूर्ण राजतंत्र है जहां इस्लामिक शरिया कानून चलता है, और सऊदी अरब के सख्त कानूनों के बारे में हमने बहुत बार सुना है, जहां सख्त कानूनों के साथ सजा भी सख्त है। सऊदी अरब में ड्रग्स का इस्तेमाल करने और तस्करी करने पर मौत का प्रावधान है। यहां पर शराब पीकर पकड़े जाने पर 100 कौड़ों की सजा या जेल हो सकती है। सऊदी अरब में पॉर्न पिक्चर देखना भी कानूनी जुर्म है और होमोसेक्सुअलिटी में पकड़े जाने पर कड़ी सजा है, यहाँ तक की सजाए मौत भी दी जा सकती है। सऊदी अरब में राजा, सरकार, राज परिवार और नेशनल फ्लैग का अपमान करना एक जुर्म है। यहाँ सरकारी इमारत और सेना के कार्यालयों की फोटो लेना कानूनन जुर्म है। पवित्र रमजान के महीने में दिन के समय पब्लिक एरिया में खाने पीने पर भी सजा दी जाती है। बलात्कार और कत्ल के बदले सजाए मौत मिलना तय है। सऊदी अरब में इस्लामिक लॉ के अनुसार यहाँ किसास और दियत का प्रावधान है, जिसका उल्लेख पवित्र कुरान में किया गया है। किसास का मतलब है बदला, यानी कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और जैसा भी घाव हो वैसा ही उसका बदला। और दियत, जिसका मतलब है मुआवजा, जिसमें कि यदि किसी का कत्ल कर दिया जाता है और उसके परिवारजन उस कत्ल के बदले मुआवजा लेने को राजी हो जाएं, तो कत्ल करने वाले व्यक्ति की सजा को माफ़ कर दिया जाता है। दियत की रकम कितनी हो, इसका फैसला दोनों पक्षों के नुकसान
और माली हालत को देखकर सऊदी अरब की कोर्ट करती है। किसी ज़माने में दियत की रकम 100 ऊँटों की रकम के बराबर हुआ करती थी और उसके अलावा सोना और चांदी को भी दियत की रकम के रूप में लिया जाता था, लेकिन अब इसका फैसला कोर्ट करती है क्योंकि कभी कभी लोग दियत की रकम को बेहिसाब मांग लेते हैं। 2016 में प्रकाशित अरब न्यूज़ के एक लेख के अनुसार दियत की प्रथा का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से एक समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे कि कई बार मरने वाले के परिवार वालों को पता होता है कि मरने वाला एक गलत व्यक्ति या असामाजिक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी वह परिवार दियत की एक बहुत बड़ी रकम की मांग करने लगता है। सऊदी अरब में दियत की रकम लिंग और धर्म के आधार पर की जाती है, जहां महिला की हत्या पर पुरुष की हत्या से आधी रकम मिलती है और किसी गैर मुस्लिम की हत्या होने पर दियत की रकम में मुस्लिम की हत्या पर मिलने वाली दियत का 16वां भाग ही मिलता है। किसास और दियत की प्रथा पाकिस्तान और ईरान में भी है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान में दियत की रकम में लिंग और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक हो? अगेन ओल्ड टाउन में आ गए हैं हम। आज दिन में आए हैं, कल रात को आए थे तो रात को इतना कुछ नहीं दिख पाया था। आज दिन में फिर दोबारा इसको एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड टाउन को। चलना भाई कार में, रात को ज़्यादा वैसे ठीक था ना, वो दूसरा शक्ल है, लेकिन ये बिल्डिंग जो दिखता है अभी पॉइंट, ये दिन में ही दिख रहा है, ये देखो वो बिल्डिंग दिख रहा है। यहीं पे भाई रात को बच्चे जंप लगा रहे थे ना, आपको वीडियो में देखा ना, ये पूरा बिल्डिंग एक साल वाला बिल्डिंग दिखता है। यहाँ पर सारे खेल रहे थे रात को, काफ़ी हैपनिंग था सारा यहाँ पर, बहुत सुंदर है, मतलब असली में लग रहा है कि कोई हेरिटेज एरिया है। हम मंसूर भाई की शॉप के पास पहुंच गए हैं और ये सारा एरिया जो है हेरिटेज एरिया है और सारी जो भी ये मार्केट है यहाँ पे आसपास, ये कपड़े की मार्केट है और होलसेल की मार्केट है। फिलहाल ग्राहक नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, ग्राहकों की बड़ी कमी हुई हुई है पूरी दुनिया में, तो यहाँ भी ग्राहक कम है। सलाम, शुक्रिया। चाय पानी पूछने का सही कल्चर है भाई ये। जब भी सऊदीया के बारे में सोचा जाता था तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल बंजर रेगिस्तान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ काफ़ी ग्रीनरी है और कुछ एरियाज़ भी हैं जहाँ पर ग्रीनरी काफ़ी है और शहरों में भी काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो ग्रीनरी काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ बंजर है, रेगिस्तान है। ये भी कपड़े का ही है? यही कपड़े का, इसका नाम सुकल बदू है। सुकल बदू, मंसूर भाई शाम को क्या ज़्यादा चहल पहल रहता है या दिन में भी रहता है? दिन में भी आज तो थोड़ा कम है, कस्टमर कम है, तो शाम को से थोड़ा हो जाएगा, शाम को अभी ठंडी है ना, इसलिए ये वजह से। तो मार्केट जो खुलने का और बंद होने का टाइम क्या है भाई? ये 9 रेगुलर टाइमिंग है तो 9 बजे खुलेगा, फिर 2 बजे बंद करते हैं सब लोग, ठीक है, फिर शाम को 4:30 बजे खुलते और 10 बजे 10:30 रात को, मतलब ये रेगुलर टाइम है, गर्मी सर्दी कोई हो। तो ध्यान रखें, कभी आप जेड्डा में आ रहे हैं तो मार्केट टाइमिंग जो है यहाँ पर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक हैं, शॉप्स ओपन रहती है, फिर 2-2.5 घंटे के लिए बंद हो जाती है। अगेन मार्केट 4:30 बजे खुलती है और उसके बाद 10-10:30 बजे बंद हो जाती है। यहाँ जैसे कोई लोकल परफ्यूम का कोई ऐसा ब्रांड हो? लोकल परफ्यूम का मेरे को इतना परफ्यूम में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा, हम रेगुलर यूज़ करते हैं, एक दो आइटम नॉर्मल आप यूज़ करते ना, सी के क्यूको बोस ऐसे ही हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो सऊदी लोग का अलग अलग चीज़ होगा। तो यहाँ कोई फेमस शॉप है? फेमस इधर एक परफ्यूम वाली दो डाक निकले, लेकिन अभी देखना एक बार कैमरा। सलाम, इतना इश्विया हसन मिक्स
बहुत बड़ी बड़ी परफ्यूम्स की शॉप है यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी है, पर मुझे विश्वास नहीं होता जो जाने माने ब्रांड है वो यहाँ पर असली मिलते हो, तो मुझे यकीन नहीं होता। दुबई में जो है, अगर आप बरदुबई में जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत शॉप्स हैं ये परफ्यूम की, लेकिन वहाँ सारी नकली मिलती हैं। और अगर कोई लोकल ब्रांड है तो वो ओरिजिनल मिल सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं, जैसे ह्यूगो बॉस लगा रखा है इन्होंने, सीके लगा रखा है, डेविड ऑफ है, वन मिलियन है, तो ये सारे मुझे लगते नहीं ऐसी मार्केट में ओरिजिनल मिलते होंगे। इत्र जो हैं वो मिल जाते हैं, वो ओरिजिनल मिल सकते हैं और वो अच्छे भी होते हैं। अलिफ लैला इत्र लिया है हमने और बार्गेनिंग कर सकते हैं आप। 30 रियाल बोला था इन्होंने, हमें डिस्काउंट कर दिया है, 20 रियाल लगाए हैं। ओके शुक्रा, थैंक यू, शुक्रान। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, सारी होलसेल की शॉप है, हर तरह की शॉप है, तो एक पूरा दिन चाहिए इसको ओल्ड टाउन को घूमने के लिए, अगर शॉपिंग वगैरह भी करनी है तो। इत्र ओरिजिनल मिल जाते हैं, लेकिन वैसे अगर जो ब्रांडेड परफ्यूम है उनका कोई पता नहीं, वापसी चलने की तैयारी की जाए यहाँ से और कहीं। ये सारे भाई इनमें अभी लोग रहते हैं, देखिए एसी चालू है तो है। अच्छा, इसमें क्या हमारे पास रेंट बहुत कम है। क्या क्या रेंट है? रेंट महीने में 800-500-600 ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, कम है? कम है यहाँ के हिसाब से, इधर का लोकल से है ना, मतलब ये थोड़ा गरीब वाले लेते जिसमें फिटे, और ये सूट का अंदर वाले ना सब लोग लेते, फिर बाहर तो अच्छा महंगा हो जाएगा, लेकिन इसका अंदर है ना सस्ता हो जाएगा। जो ये शॉप्स कीपर है सारे घर इनके ही हैं ज़्यादातर, है ना, यहाँ रेंट सस्ता है इसलिए यहाँ है, और लोग अभी रह रहे हैं इन बिल्डिंग में सारे में, जहाँ पे एसी चालू है इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई रह रहा है। सही बताया आपने, एसी चालू है। इसमें काली है ये बिल्डिंग, काली है एसी नहीं है, जिसमें एसी नहीं है वो बिल्डिंग खाली है। अभी शॉप्स ओपन हो रही हैं धीरे धीरे करके, शाम होते होते काफ़ी रौनक हो जाती है और 10-10:30 बजे तक मार्केट खुलती है। ये ये सारी हेरिटेज साइट है, जो इन शॉप्स के गेट हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते, और बोर्ड का जो डिज़ाइन है वो भी सेम ही रहेगा, सेम ही कलर का रहेगा। अगर कोई भी इसको चेंज करता है या बोर्ड के डिज़ाइन से छेड़ाछाड़ी करता है तो उसका लाइसेंस यहाँ कैंसिल कर दिया जाता है। और इस एरिया में जो लोग रहते हैं वो इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेंट है वो सस्ता है, और यहाँ के जो शॉपकीपर वगैरह हैं उन्हें आसानी होती है शॉप पर आने में और जाने में। जिन शॉप्स पर आपको यहाँ नॉर्मल शटर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो शॉप ओपन नहीं है। अगर किसी को वहाँ शॉप ओपन करनी है तो उसको ये हेरिटेज स्टाइल का गेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये था जिड्डा का ओल्ड टाउन एरिया, जिसे बालद कहते हैं। हम रात को भी यहाँ आए थे, रात की भी इसकी अपनी एक ब्यूटी थी, और दिन में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है, रात में भी आप आ सकते हैं। और अगर आपको होटल लेना है इस एरिया के आसपास, आप होटल ले लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि खाने पीने की ज़्यादा वैरायटी इस एरिया के पास इंडियन टेस्ट की मिल सकती है। हम अभी ब्रंच के लिए आए हैं और हमारा ये केरला वाला रेस्टोरेंट है, केरला फूड है हमारा ये पराठा, केरला का, केरला की जो खासियत है। चलिए ब्रंच करते हैं और इसके रेट जो हैं वो अभी आपको बता देंगे, पहले खा लेंगे।
पनाठा बहुत अच्छा था, चाय बहुत अच्छी थी यहाँ की। करीम भाई है हमारे यहाँ पर रेस्टोरेंट में। करीम भाई पराठा कितने का? वन रियाल का 2 पीस पराठा है, तो 20 रुपए के 2 पराठे और सब्जी अलग। चार पराठा सब्जी 5 रियाल का। तो चार पराठा चिकन 11 रियाल, तो मतलब 100 से 200 रुपए में पेट भर के खाना खाया जा सकता है। चाय कितने की? चाय 1 रियाल पेट भर के खाया, तो मतलब 120 रुपए में वेजिटेरियन आदमी पेट भर के खा सकता है और 200 रुपए में नॉन वेजिटेरियन आदमी पेट भर के खा सकता है। ठीक है भाई, सलाम सलाम भाई। जहाँ पे हमने ब्रंच किया इसका नाम बराका रेस्टोरेंट है, और एड्रेस क्या है भाई इसका? वो इधर ये आई मुशरिफा डिस्ट्रिक्ट है ना, आई मुशरिफा डिस्ट्रिक्ट। और रोड का क्या नाम है? हमल सुलेमान स्ट्रीट है। हमल सुलेमान स्ट्रीट पे ये केरला बराका रेस्टोरेंट है। 4 से 3 बहुत सस्ता और बहुत अच्छा खाना पीना है। कभी इस साइड आए तो यहाँ खाना खाया जा सकता है। चले भाई, थैंक यू, शुक्रिया भाई। ब्रंच हो गया है अभी हमारा, और भाई अपना ये जो मतलब ऐसे 5 या 10 रियाल में हो जाता है काम है मोस्टली यहाँ। इधर ब्रेकफास्ट का हो जाएगा, ब्रेकफास्ट का आपको 2 पराठा और चना और वेजिटेबल, वो आपको 5 रियाल का हो जाएगा। 5 रियाल का मिलेगा ब्रेकफास्ट। अगर वेज ब्रेकफास्ट करना है तो 5 रियाल तक हो जाता है। छोटा वाला रेस्टोरेंट है, छोटा जो रेस्टोरेंट है। अगर थोड़ा बड़ा भी रेस्टोरेंट है तो 15 से 20 रियाल मैक्सिमम में हो जाता है। और लंच के लिए वो बिरयानी वगैरह मिलेगा 12 रियाल 13 रियाल, ऐसा छोटा रेस्टोरेंट में मिलेगा। लेकिन थोड़ा बड़ा है तो वो इंडियन रेस्टोरेंट है तो आपको 18 रियाल 20 रियाल को अच्छा बिरयानी मिलेगा, मील्स मिलेगा वो साउथ इंडियन का जैसा। अच्छा, ऐसा पूरा हो जाएगा। गुड। और अलबैक वगैरह में भी 13-14-15 रियाल तक हो जाता है। वो पेप्सी कितने का था भाई? पेप्सी 1 रियाल 1.5 को मिलेगा, एक पेप्सी को छोटा वाला। हाँ, 1 रियाल का, 1.5 रियाल डेढ़ रियाल का पेप्सी, और 13 रियाल का वो मील था जिसमें फ्रेंच फ्राइज थी, एक बन था और 4 पीस चिकन के थे। मतलब एक टाइम की मील 15 रियाल तक सऊदी अरेबिया में आराम से खाई जा सकती है। तो सऊदी अरेबिया कोई महंगा नहीं है। फिलहाल हम फ्लैट पे आ गए हैं, अब शाम को यहाँ से निकलेंगे। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, शाम को मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू।